और अब बात महाराष्ट्र की करते हैं, जहां पर विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी के नेता सीट बंटवारे की गणित सुलझाने में जुटे हैं। एबीपी न्यूज के सूत्रों के मुताबिक मुंबई की 36 विधानसभा सीटों पर एमवीए के नेता जबरदस्त मंथन कर रहे हैं। मुंबई में शिवसेना यूबीटी की तरफ से सबसे ज्यादा सीटों की मांग की जा रही है और इसी को लेकर अब पेच फंस गया है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के नेता सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करने के लिए लगातार मंथन कर रहे हैं। सबसे पहले मुंबई की 36 सीटों पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना यूबीटी मुंबई की 20 सीटों पर दावेदारी जता रही है, तो कांग्रेस मुंबई की 18 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। वहीं एनसीपी एससीपी 7 सीटों पर दावेदारी कर रही है, जबकि समाजवादी पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है। मुंबई की 36 में से 6 सीटें ऐसी हैं जिन्हें लेकर शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस में पेच फंस रहा है, क्योंकि दोनों की नजर इन पर है। ये सीटें हैं भाईखला, कुर्ला, घाटकोपर पश्चिम, वर्सोवा, जोगेश्वरी पूर्व और माहिम। दिलचस्प बात यह है कि मुंबई की 5 सीटें ऐसी हैं जहां तीनों दल लड़ने से बच रहे हैं। वजह है यहां बीजेपी का मजबूत असर। ये सीटें हैं मुलुंड, विलेपार्ले, बोरीवली, चारकोप और मालाबार हिल। देखिए, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और इसके साथ साथ हमको गठबंधन को भी देखना है। हम सारे लोगों को मिलकर के चुनाव लड़के सरकार बनाने की बात है। कोई गड़बड़ नहीं होगा, सब साथ मिलकर के काम करेंगे। सीट शेयरिंग ठीक से हो रही है, हमारे में कोई मतभेद नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक से चर्चा होती है, बैठकें चल रही है और जल्दी आपको इसके पास कितनी सीटें हैं वो पता चल जाएगा। उधर सत्ताधारी एनडीए गठबंधन की महायुति की 24 और 25 सितंबर को मुंबई में बैठक होनी है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।